तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चौबोली पर। गाइस आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने और लोग ने GT5 के अंदर एक खतरनाक वाली रेस की थी और वो रेस अपुन जीत चुका है। लेट्स गो। और रेस का प्राइस था कि जो बंदा हारेगा वो जीते हुए बंदे को एक बंदूक मत दिखा। अब हार गए मेरे को बंदूक दिखा रहा है ये। तो रेस का प्राइस है कि जो बंदा हारेगा वो जीते हुए बंदे को रील लेके देगा। और अपुन जीत चुके हैं। हां जीत गए। खतरनाक वीन और ये रही मेरी एन्चांटेड कैंची। और अभी जब ये वीन खोलेंगे खुला ही नहीं। और अभी इस वीन के साथ गाइस मेरे को खेलनी है GTA 5। ओ माय गॉड, मैं एक्चुअली फील ले रहा हूँ। ऐसे ऐसे हम गाड़ी चलाएंगे, वो भी एक हाथ के साथ। मैं तो ऐसे गाड़ी चलाऊंगा, ऐसे बैठ गया ऐसे। I don't think ये बेस्ट आइडिया था इसको बाहर निकालने का, लेकिन निकल चुका है। इसको यहाँ से निकालो एंड ये okay, रहा व्हील। ये क्या चार्जर यार, अब इसकी 500 तारें होंगी यार। What the hell? भाई अरे कितना मस्त लग रहा है, कितना हैवी है। और आप भी गाइस हम भी बन जाएंगे GTA 5 की क्या हैवी ड्राइवर, पता है इसको। और ये रहा गाइस इसका पैडल, लेट्स गो। इसको यहाँ से निकालते हैं और एकदम लिटरली गाइस असली गाड़ी वाली फील मेरे को आएगी अगर मैं इससे GTA 5 खेलता हूँ तो। फाइनली इसका मैनुअल मेरे हाथ में आ चुका है और यहाँ पर लिखा है कि बट्टी चलानी शुरू कर दो, वो भी एक हाथ नाला। तो ये रहा गाइस इसका क्लच और ये रही इसकी ब्रेक और ये रहा इसका गैस का पैडल, लेट्स गो। ए, लेकिन मेरे को एक बात समझ भी नहीं आई भाई, मैं तो ऑटोमेटिक गाड़ी चलाता हूँ और ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर क्लच नहीं होता, चूना लग रहा है मेरे को यहाँ पर। रवि चपाती भाई ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली टेबल पे सेट कैसे होता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा मैनुअल होता है, इसको मैनुअल पढ़ते हैं, सब कुछ वहीं पे लिखा होगा। अरे अच्छा मैं समझ गया, इसको ऐसे होता है। देखो गाइस कितना चालाक हूं। हां पूरा मैंने किसी की वीडियो नहीं देखी ये, मैं समझ गया था यहाँ पर। ये पुराने वाला गियर बॉक्स पकड़ी अपना, पकड़ इसको यहाँ पर, ये दे दो मुझे। और ये नए वाला गियर बॉक्स एकदम नीचे। और गाइस ऑलरेडी तारे देख रहे हो, पूरा डैश यहाँ पर फुल हो चुका है और पूरे गाइस 50 घंटे सेटिंग करने के बाद फाइनली गाइस हमारी GTA 5 चल रही है। Let's go. जितने भी बटन आप देख रहे हो सब डिसेबल मैंने कर दिए क्योंकि बहुत सारे बटन है, ठीक है। ऑलराइट अभी ड्रिफ्टिंग देखो, हाँ देख रहा हूँ ड्रिफ्ट एंड टेंट वो ना टूट जाए यार। गाइस हमारा व्हील एकदम से रेडी हो चुका है, लेकिन लॉस सैंटोस के अंदर एक बहुत ही खतरनाक वाली प्रॉब्लम आ चुकी है। तो बेसिकली गाइस हमें पता लगा कि एक छोटे मोटे गैंग ने हमारी बहुत ही डेंजरस लेवल की स्पोर्ट्स कार को पकड़ कर रखा हुआ है और उस स्पोर्ट्स कार के अंदर बहुत सारे खुफिया टॉप सीक्रेट पेपर पड़े हुए हैं। तो उन्हें धमकी दी है कि वो स्पोर्ट्स कार जो है पुलिस के हवाले कर देंगे और अगर वो स्पोर्ट्स कार पुलिस के हवाले लग गई तो भैंस क्या पूरा भांडा हमारा लॉस सैंटोस की दुनिया के अंदर खुल जाएगा, पूरे बैंक बैलेंस हमारे सारे जब्त हो जाएंगे और पुलिस आके हमारे दरवाजे के ऊपर खड़ी हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, अभी हमें स्पोर्ट्स कार को डिस्ट्रॉय करना है और साथ के साथ उस चोमू गैंग को भी डिस्ट्रॉय करना है। तो बेसिकली गाइस उस गैंग का मेन अड्डा यहीं पर है और उन लोगों ने हमारी स्पोर्ट्स कार जो है इसी चोमू बंदे मर गया ना, और उन लोगों ने गाइस हमारी स्पोर्ट्स कार जो है इसी कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग के अंदर उन लोगों ने किडनैप करके रखी हुई है। और अगर मैं चुपके सामने से जाके देखूं तो ये रही गाइस, और उन लोगों ने आते ही मेरे ऊपर हमला कर लिया। ओके तो गाइस इस वाली गाड़ी के अंदर मिशन करना एकदम इम्पॉसिबल होगा भाई, वो मेरे को जाते ही उड़ा देंगे। मेरे को पूरा फंडा समझ में आ चुका है ब्रो, मेरे को यहाँ से अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके आनी पड़ेगी। और बुलेट क्या है तुम लोगों को यार, क्या है तेरे को, गाड़ी छोड़ के भाग रहा चोमू, गाड़ी लेके भाग। रिवर्स कैसे करते हैं इसको, रिवर्स के तो मैंने कंट्रोल सेट ही नहीं किए। निकलते हैं यार, दूसरी गाड़ी चोरी करनी पड़ेगी फाइनली मेरे को। और अगर एक बार फिर से मैं ड्राइव थ्रू करके देखूं तो सारे मिलके मेरे को मार रहे हैं, लिटरली आ रहा हूं तुम्हारी खबर लेके आता हूं मैं। इनको पकड़ने के लिए डेफिनेटली मेरे को करूमा चाहिए होगी और मेरे को पता कि अपनी करूमा कहां पर खड़ी है। तो गाइस यहां पर शहर के अंदर ना मैंने एक छोटा सा बंगलो लेकर रखा था इन्हीं फालतू कामों के लिए, और उन्हीं बंगलो के अंदर मैंने करूमा रखी थी। मेरे को पीछे जाना नहीं आता भाई, कम ऑन, मेरा वो बंगला कहां पर गया जहां पर मैंने करूमा छुपा के रखी थी। आई थिंक मेरे को मिल चुका है, हटना तेरे को बताऊं क्या। तो गाइस ये रही, अरे वाह ये रही गाइस मेरी बुलेट प्रूफ करूमा। और अभी जाके गाइस बुलेट प्रूफ करूमा के अंदर बैठ के उन सबकी मैं छक्के छुड़ा के आता हूँ। ऑलराइट तो एक बार फिर से वो बिल्डिंग मेरे सामने आ चुकी है। कम ऑन, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त लेवल का पैरा लोगों ने देकर रखा है और मेरे को हिट
फिर से मेरे को रिवर्स करनी पड़ेगी, मेरे को गाड़ी रिवर्स करनी आती भी नहीं है। देखते ही मेरे को गोली चलाने का ऑर्डर इन लोगों ने दे के रखा है। रास्ता क्लियर कर दो और जाते गाइस। चोगला तिवारी भैंस की आंख ये ले। ओके रुक जा, तेरे को बताता हूँ मैं ये कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर। स्टीयरिंग व्हील को मैंने छेड़ा भी नहीं, खुद ना खुद घूम रहा है। तुम्हारी ये मचल तुम मेरे को मारोगे हैं? तुम मेरे को मारोगे? तुम्हारी ये हिम्मत, तू फिर से उठ गया? ओ तू मारा नहीं क्या? तो ये रही वो दूसरी गाड़ी जो कि मेरे को डिस्ट्रॉय करनी है। और कम ऑन लेट्स गो। तो ये गाड़ी गाइस मैंने यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये रही वो मेन गाड़ी। अब मैं ये गाड़ी यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डिस्ट्रॉय करूंगा तो पुलिस आके इस जगह की तलाशी लेगी और उनको पता लग जाएगा कि इस गाड़ी के अंदर कोई ना कोई खुफिया चीजें पड़ी हुई हैं। और इससे पहले कि गाइस यहाँ पर पुलिस आए, ऑब्वियसली पुलिस तो आएगी आएगी, 500 बंदे मैंने वहां पर मार चुका हूँ। तो यार इससे पहले कि गाइस यहाँ पर पुलिस आए, भाई ये गाड़ी लेकर यहाँ से निकलो। और मेरे को पता कि एग्जैक्टली मेरे को कहाँ पर ये गाड़ी डिस्ट्रॉय करनी है। तो गाइस ये गाड़ी बिल्कुल पहाड़ के ऊपर से नीचे कराएंगे, बिल्कुल माउंट चिलियाड से। और नीचे आते आते गाइस इस गाड़ी की हड्डियां भी पुलिस को नहीं मिलने वाली। और मैं हर जगह पर गाड़ियां चला रहा हूँ सिवाय रोड के। तो गाइस ये रहा वो मोटरवे जो मेरे को बिल्कुल माउंट चिलियाड के पास लेके जाएगा। और ऑब्वियसली GTA मैंने इतनी खेल कर रखी है ना कि मेरे को माउंट थोड़ी मैंने कम कर दी आजकल, लेकिन कोई बात नहीं मैं सीख जाऊंगा। बट एनीवेज GTA मैंने इतनी खेल कर रखी है भाई, इसकी गली गली मेरे को पता है। तो यही रोड फॉलो करके हम 2 सेकंड के अंदर माउंट चिलियाड के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो यार मैं काम करता हूं गाइस, यहां पर ब्रेक मार लेता हूं और मैप के ऊपर भी डाल लेता हूं जस्ट इन केस। और यहां से गाइस माउंट चिलियाड दूर है 4.5 miles। मेरे को एक्चुअली बहुत डर लग रहा है यार, क्योंकि यहां से तो मैं रोड के ऊपर तो गाड़ी चला लूंगा, माउंट चिलियाड के ऊपर कैसे करेंगे? वहां पर तो पतले पतले रोड होते हैं। हट जाओ मेरे सामने से, मेरे सर के ऊपर खून सवार है भाई। इनी भैंस की हटते हैं यहाँ से, तेरे ऊपर मैंने गोलियां मार देनी है। जो बंदा सामने से नहीं हटा उसके ऊपर एकदम से गोलियां बरसेंगी। तू भी गया, चल तेरी भैंस की, निकल यहाँ से, तेरे को तो मैंने मारा भी नहीं, तू कहाँ गिर रहा है? ओके तो ऐसे होता है। तो गाइस अभी मैं पूरा फंटा स्टीयरिंग का समझ चुका हूँ एकदम से। अभी मक्खन वाली गाड़ी चल रही है देख रहे हो ना। तो बेसिकली गाइस अगर आपको राइट जाना तो हल्का सा टच कर दो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर राइट होने के लिए। और बेसिकली अगर आपको लेफ्ट जाना तो हल्के से लेफ्ट टच कर दो। हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा घुमा रहे हैं उसको लट्टू की तरह। अभी एकदम से ड्राइविंग वाली फील आ रही है, अभी ऐसा लग रहा है कि मैं लिटरली रियल लाइफ बुगाटी चला रहा हूं। तो अगर मैं आपको अंदर का व्यू दिखाऊं, ओ भाई जिस तरफ मैं ये स्टीयरिंग मोड़ रहा हूँ उस हटना तेरे को क्या है भाई, कि मैंने क्या डॉज किया उसको। तो जिस तरफ गाइस मैं स्टीयरिंग व्हील मोड़ रहा हूँ लिटरली गेम का स्टीयरिंग व्हील भी उसी तरह मोड़ रहा है। माउंट चिलियाड भी अपना सामने आने वाला है। हट जाओ गाइस, मेरी गाड़ी के अंदर ब्रेक बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी मैंने लुमड़ी को मारने वाला था यहीं पर, बच गया ब्रो। वैसे अगर देखा जाए ना तो फर्स्ट पर्सन मेरे को गाड़ी चला के फुल ऑन, एकदम फुल ऑन मजा रहा। तू काहे को डर रहा है, मैंने तेरे कुछ कहा भी नहीं। अरे मेरे को ब्रेक दबानी है, मेरे को यहाँ से टर्न करना था। और अच्छा आगे से मैं टर्न कर सकता हूँ, तो कोई बात नहीं गाइस, इस वाले एग्जिट को हम मिस कर देंगे, हम पूरा आगे से घूम के आएंगे। और यही पास में फॉलो करके बिल्कुल ऊपर तक पहुंच सकता हूँ। तो यार अभी मेरे जो है मुश्किलात की घड़ी यहाँ पर शुरू होने वाली है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर टाइम से ब्रेक दबानी है और टाइम से एक्सलेटर दबाना है, क्योंकि अगर टाइम से ब्रेक नहीं दबी तो मेरी गाड़ी उस पार जाके गिरेगी। और अगर मैंने टाइम से एक्सलेटर नहीं दबाया और मैं पहाड़ के ऊपर फंस गया तो बिल्कुल रोल बैक होके सीधा जहां से मैंने शुरू किया था बिल्कुल वहां पर जाके फंस जाऊंगा। अरे हट जा आंटी, हट जा, मेरी गाड़ी के अंदर ब्रेकें नहीं है भाई। मैं पता नहीं कैसे गाड़ी यहां पर लेके आ चुका हूं और मैं कैसे ऊपर जाऊंगा मेरे को नहीं पता। बस मेरे सामने कोई भी नहीं आएगा और यार ये खतरे वाली गाड़ी, तो मेरे को इनफ गैस देनी है ताकि गाड़ी ऊपर चले, नहीं तो रोल बैक होके मेरी गाड़ी बिल्कुल सेंटरमैन की मिल के अंदर जाके पहुंच जाएगी। ओके फिलहाल तो अगर देखा जाए तो एब्सोल्युटली फाइन अपनी गाड़ी चल रही है। कम ऑन देख रहे गाइस, इसे कहते ओके, ज्यादा टशन मेरे को नहीं मारनी, अगर मैं हल्की सी भी टशन में मारूंगा तो मेरी गाड़ी नीचे खाई के अंदर जाके गिरेगी। वो आराम से मेरे को यहाँ पर आके गाड़ी डिस्ट्रॉय करनी है, अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करना। और ये एकदम खतरनाक वाली जगह है। ओ ओ ओ ओ ए रोल बैक मत कर, रोल बैक नहीं करने का। मैं कितनी का ओके टाइम से गैस देनी है और टाइम से ब्रेक दबाना है। अगर ये कॉम्बिनेशन हल्का सा भी खराब गया ना तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। वैसे ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि हमें गाड़ी ऑलरेडी डिस्ट्रॉय करके आना है यहाँ पर, तो तभी मैं इस गाड़ी को माउंट चिलियाड के ऊपर लेके आ चुका हूँ। लेकिन मेरे को गाड़ी डिस्ट्रॉय करनी, खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करना, ठीक है ना। वैसे अगर देखा जाए तो गाड़ी पूरी सुपर स्ट्रॉन्ग है, मैंने 50 बार ये गाड़ी ठोकी और एक स्क्रैच भी जो है इस गाड़ी के ऊपर नहीं आया, देख रहे हो अभी तक ब्रांड न्यू कंडीशन में है। लेकिन ये पहाड़ इतनी ऊंची है ना कि भाई इसके ऊपर आप बुलेट प्रूफ आर्मर भी लगा लो
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी इस पहाड़ से गिरी तो एकदम पाताल में ही जाएगी। ऐसे गाइस देख रहे हो अपने ड्राइविंग स्किल्स क्या, ओके नहीं देखा आपने। और गाइस मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे बंदे जो है सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे। प्लीज अगर आप चैनल के ऊपर नए हो और आप मेरे को सपोर्ट करते हो तो प्लीज एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन प्लीज दबा दो। और यहाँ पर देख रहे हो दोनों तरफ खाई है, तो मेरे को स्टीयरिंग व्हील यू 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 नहीं करना, आराम से मेरे को लेके जाना है। गाइस हट जाओ, मेरी गाड़ी के अंदर ब्रेकें नहीं है, मैंने अपना हॉर्न भी कॉन्फ़िगर नहीं किया। गाइस एक सेकंड डीचल अपना हॉर्न जो है कॉन्फ़िगर करके आता हूँ, अगर मैं दबा के देखूँ तो। Yeah boy, guys मैं हॉर्न दबा रहा हूँ, हट जाओ। देखो मेरे को मजबूरन बंदूक निकालनी पड़ेगी क्योंकि हॉर्न निकाल के तो कुछ हो ही नहीं रहा। गलत आया से ए, चाची की गाड़ी है, गाड़ी स्पोर्ट्स वाली गाड़ी देखी नहीं कि गाड़ी के ऊपर एकदम से लंबे पड़ गए वहां पर। ओके गाइस तो ये रहा अपना रैंप बिल्कुल हमारे सामने, एंड फुल स्पीड लेट्स गो। यार फंस गया मैं यार, और एक बार फिर से फुल स्पीड लेट्स गो। और अभी फुल स्पीड लेट्स गो, क्या बात है। और ढूंढो हमारी गाड़ी है, ये चोबू गैंग के बंदे हमारी गाड़ी ढूंढेंगे, पुलिस के अंदर रिपोर्ट लगाएंगे कि मेरी तेरी ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो फंस गया यहाँ पर। बट एनीवेज ये देखो गाड़ी हमारी ऑलरेडी डैमेज लेना शुरू कर दिया इसने। तो अगर मैं एक बार फिर से फुल स्पीड में गाड़ी लेके जाऊँ और यहीं से उतर जाऊँ तो लेट्स गो। गाई पाताल के अंदर भैंस की ये गाड़ी ऑलरेडी अंजर पंजर इसके बाहर निकल चुकी है और मेरे को गाड़ी गिरने की आवाज अभी तक आ रही है। ओ भाई वो जा रही अपनी गाड़ी बिल्कुल, ले देखो गई, कुछ हाथ नहीं लगने वाला पुलिस की। अब पूरा सबूत हमने यहाँ पर गाइस GT5 की दुनिया के अंदर मिटा दिया, अभी हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। फोड़ दे गाड़ी को, ले जा गाड़ी तेरी हो गई, तेरे को ये गाड़ी जहाँ लेके जानी है ले जा तू। और मैंने अपने बचाव के लिए भी गाइस यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खतरनाक लेवल की SUV यहाँ पर अपने लिए पार्क करके रखी है, और यही SUV लेके सीधा घर। और अभी गाइस मेरे को गाड़ी लेके जाने एक्लिप्स टावर के अंदर, थोड़ी बहुत रिपेयर करवाने, इसका पेंट वर्क भी चेंज करवाना, ताकि पुलिस को पता ना लगे कि काली गाड़ी ने कोई खराबी करके रखी हुई है। बट एनीवेज गाइस अगर आपको ये वाला मिशन पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाले मिशन में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।